क्या दिखा नहीं वो खून तुम्हें जहां धरती पुत्र का अंत हुआ। सच को ये सच नहीं मान रहा, लो आंखों से अंधा भक्त हुआ। जनाब, देश में यूं तो सियासत और कुर्सी की लड़ाई के नज़ारे अक्सर देखने को मिलते हैं, काफ़ी कवायदे भी होती हैं और चिकने घड़ों पर पैर रखने वाले कब अपनी ज़मीन बदल लेते हैं इसे भी सभी जानते हैं। लेकिन इस वक्त देश में पिछले 22 दिनों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई कई सवाल खड़े करती है। देश के किसान आज सड़कों पर है और किसान आंदोलन का जब 21वां दिन पूरा हो रहा था तो एक संत किसान ने इस पूरे माहौल से परेशान होकर खुद की जिंदगी ही खत्म कर ली। यूं तो आत्महत्या करना ठीक नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब तकलीफें बढ़ने लगे तो कोई भी शख्स अपनी सोच के मुताबिक कोई कदम भी उठा लेता है। खैर, सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो वाकई ठीक नहीं हुआ। एक संत किसान खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। किसानों का दर्द कुछ इस कदर बढ़ रहा है, करीब आधा दर्जन से ज्यादा बार सरकार और किसान संघ के नुमाइंदों के बीच वार्ता होना और फिर वो बेअसर साबित होना। आखिर कई तस्वीरें तैयार करती हैं। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सन्नाटा, कड़कड़ाती ठंड के बीच खुले आसमान तले किसानों का आंदोलन, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सका ताकि ये किसान घर लौट सकें। देश के प्रमुख सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, रेवाड़ी और शाहजहाँपुर जैसे ठिकानों पर बड़ी तादाद में जमे बैठे किसान अब इसी आस में हैं कि काश सरकार उनकी मांगे मान ले। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया तो बस अब इंतजार है कि इन धरती पुत्रों का संकट खत्म हो, सरकार वक्त और माहौल के हिसाब से फैसला ले ताकि एक बार फिर खेतों की जमीन फिर हरी हो सके। दरअसल संत किसान राम सिंह के सुसाइड के बाद अब किसानों में भी नाराजगी की लहर है और वो नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ। माना कि सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं या यूं कहें कि भविष्य की कोई प्लानिंग हो सकती है, लेकिन कई बार भविष्य का निर्माण भी वर्तमान को देखते हुए ही किया जाता है। आज इन बॉर्डर्स पर बैठे किसान चाहे जैसे भी हों अपना आंदोलन चलाए हुए हैं। सरकार कहती है कि वो कोशिश में है कि किसान अपना आंदोलन खत्म करे और किसानों का कहना ये कि पहले उनकी मांगों को माना जाए। जनाब, सवाल यही है कि जब देश का किसान सरकार से मिन्नतें कर रहा है तो फिर हुकूमत भी कहीं ना कहीं या किसी भी तौर पर अपने ऐलान को बदल ही सकती है। आज 22 दिन गुजर चुके हैं और अभी के हालातों को देख कहा नहीं जा सकता कि दिनों की तादाद और कितनी बढ़ेगी, लेकिन जो भी हो ये मैसेज ठीक नहीं। किसानों की अपनी तैयारी पूरी है, उनका जुनून अड़िग है, तो अब रास्ता क्या है? साहब, मिलिए, बैठिए, बीच का रास्ता निकालिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये बात केवल हिंदुस्तान तक ही नहीं बल्कि दूर तलक भी पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।